नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भोपाल महामुकाबला, हेमंत करकरे के पूर्व सहयोगी रिटायर्ड एसपी देशमुख साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। भाजपा द्वारा भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने के बाद राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ गयी है। यहाँ साध्वी कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। इस बीच और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई पुलिस के दिवंगत एटीएस चीफ हेमंत करकरे की कथित रूप से छवि खराब करने से उनके एक पूर्व सहयोगी काफी आहत है। उन्होंने भोपाल सीट से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि मुंबई पुलिस के रिटायर्ड असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रियाज देशमुख ने मंगलवार को भोपाल से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया। यानी अब साध्वी प्रज्ञा की टक्कर देशमुख के साथ भी होना है। इसे अब भोपाल का महामुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भोपाल सीट पर पांचवें चरण में 12 मई को मतदान है। जानकारी के अनुसार प्रज्ञा ने विवादित बयान देकर खुद अपनी मुश्किलात बढ़ा ली है। एक पब्लिकेशन से बातचीत करते हुए रियाज देशमुख ने कहा कि जैसे ही प्रज्ञा की उम्मीदवारी का फैसला हुआ तभी मैंने उनके खिलाफ लड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि मैं किसी को महाराष्ट्र पुलिस के सबसे बेहतरीन और ईमानदार अधिकारियों में से एक को बदनाम करते नहीं देख सकता था। करकरे ने सभी पेशेवर मामलों में मेरा मार्गदर्शन किया था और वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।